आपका जो पीस ऑफ माइंड है ना वो आपके खाने पे डिपेंड करता है, किस टाइप का खाना आप खा रहे हो। आयुर्वेदा में इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक खाना। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एल्यूमिनियम के जो भी वेसल्स अगर आप उसमें कुक करते हो, या सपोज आप प्लास्टिक के कुकवेयर्स में अपने माइक्रोवेव में खाने को कुक करते हो, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू तो खत्म होती ही होती है, आयुर्वेदिकली स्पीकिंग उसकी प्राण शक्ति भी खत्म हो जाती है। विच मीन्स अगर वो सात्विक खाना है वो सात्विक बचता ही नहीं है। तो अगर आपको खाने की सात्विकता मेंटेन करनी है तो उन्हें किस वेसल्स में पकाना चाहिए? कॉपर में पकाओ, ऊपर कलई जरूर करवा लेना, पीतल में पकाओ, मिट्टी में पकाओ। इन तीन टाइप के वेसल्स में खाने की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू और उसकी सात्विकता और उसकी प्राण शक्ति मेंटेन रहती है। सो अल्टीमेटली पीस ऑफ माइंड कहाँ से आता है? तो खाना आप खा रहे हो।